हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इन अवर लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सेल, व्हाट इज सेल, इट्स डिस्कवरी, नंबर ऑफ सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख चुके हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमने बोला था कि तीन मेनली कंपोनेंट होते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल का उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूड मटेरियल जमा होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियस भी पाई जाती है, और इसके हम लोगों ने फंक्शन भी देख लिए थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस के बेसिस पे, यानी कौन सी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कौन किस में नहीं है, उसके बेसिस पे मेनली सेल जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। ओके, तो यहाँ पे कैरियन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कैरियन दे रखा है, प्रोकैरियोटिक है, तो यहाँ पे जो कैरियोटिक का मतलब है वो होता है, कैरियन का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो ये कैरियन है ये हमारा न्यूक्लियस है। तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन यानी जिसमें हमारा एस सच एस जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात क्या हो जाएगी, फर्स्ट बात ये हो जाएगी कि ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम हो, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, और क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, यही तो होता है हमारा न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड का मतलब होता है कि बस जो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे यहाँ पे हमारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वैसे यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक ऐसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पूरे जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें पड़ा हुआ होगा। तो यानी इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होगी। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात हो जाएगी। थर्ड चीज़ ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ये हो जाएगी कि ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनमें जो सारे के सारे जो मोस्टली जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ होगी और राइबोसोम हो गया, ये सब चीज़ें ही होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम मेनली हमारा प्रेजेंट होता है, और बाकी के सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो तीन पॉइंट हो गए, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसकी अगर बात की जाए एग्जांपल की, तो जो पहले प्रिमिटिव सेल्स है यानी जिनका ओरिजिन पहले हुआ था, तो वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसको छोड़ के जो जितने भी बाकी सेल्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक। यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, और जो सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल। ओके, तो अब हम लोग आपकी एनसीईआरटी में जो दो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में दे रखा है, हम उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के जैसे एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, राइबोसोम होता है, वैक्यूल होता है और प्लास्टिड होता है। ठीक है, ईआर भी होता है, मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया भी बताया था। ठीक है, ये सब होते हैं आपके, इसमें दो के बारे में दे रखा, हम उन्हीं दो के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट बात आती है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, ये डायग्राम में देखिए, वैक्यूल ये एक ब्लैंक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, वैक्यूल का जो भी फूड मटेरियल है, ठीक है, जिसको स्टोर करना है, जैसे हम अपने घर में जो राशन अगर ज़्यादा आता है तो उसे कहाँ स्टोर करते हैं, किचन में स्टोर करते हैं ना, कि फ्यूचर में उसे यूज कर सकें, वैसे ही सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो फ्यूचर के लिए या किसी भी इमरजेंसी के लिए हमारा जो भी फूड पार्टिकल्स होगा उसको क्या होगा, या वेस्टेज होंगे उनको स्टोर करके एक बैग में स्टोर किए होता है, उसे बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्लैंक लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो ये होंगे, वैक्यूल हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा ये बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में, ये हमारा प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि हमने देख लिया था प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट था और कुछ कुछ नहीं प्रेजेंट था। तो वैक्यूल हमारा यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल के हमारे एग्जांपल जैसे थे एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल यानी कि हमारे अंदर, ठीक है, ये वैक्यूल कैसी प्रेजेंट रहती है, ये स्मॉल होती है। ठीक है, और बट कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल करके कई सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। और प्लांट सेल को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही लार्ज जो होगा वैक्यूल वो प्रेजेंट होगा, एक ही होगा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। देखिए इसके साइटोप्लाज्म में कितना बड़ा सा प्लांट सेल के वैक्यूल प्रेजेंट है ना।
नेक्स्ट बात आती है आपकी प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड जो होता है वो कलर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, कलर पिगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो इसी की वजह से जो प्लांट सेल होता है उनको जो है कलर मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कोई प्लांट की सेल की पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती हैं, कोई रेड कलर की होती है, कोई येलो कलर की होती है, तो ये प्लास्टिड ही होते हैं जो उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड के बारे में बात होगी कि ये कलर पिगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये जैसे इनके पास मेनली जो होते हैं तीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के प्लास्टिड के बारे में देखेंगे। अगर जो ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड होते हैं को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये तो हमने क्लास सिक्स में भी पढ़ा है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हमारे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हरे कलर का पिगमेंट होता है जो उसे हरा कलर देता है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या हमारा एक प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है ये तो हमें ईजिली अच्छे तरीके से पता है कि ये क्या करता है। ये हमारा ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, ठीक है। हाँ, हरा कलर प्रोवाइड करता है। और फोटोसिंथेसिस को होने के लिए की मटेरियल क्या है हमारा? क्लोरोफिल होना चाहिए। याद है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट विल मेक ग्लूकोज प्लस प्लस ऑक्सीजन एंड विल रिलीज लॉट्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये हो गई हमारी प्लास्टिड के बारे में बात। अब लास्ट बात ये होती है कि प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिड जो होता है वो हमारा प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा या एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। हम लोगों को क्या किसी हरे कलर की लाल पीले कलर की जरूरत होती नहीं होती ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस? पहली बात तो ये हो जाएगी कि प्लांट सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूल की बात करी जाए तो क्या होगा प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगा वो वन होगा और लार्ज होगा, और जो एनिमल सेल होगा उसमें स्मॉल होंगे, प्लास्टिड और कई सारे होंगे। सो अब सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हैंस एग इज एन ऑर्गन, अ सिंगल सेल, अ टिश्यू, इज नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैंस एग क्या है? एक सिंगल सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा इज कॉल्ड वॉकिंग लेग्स, लेग्स, श्यूडोपोडिया, निडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन चेंज इट्स शेप? वाइट ब्लड सेल, एग सेल, रेड ब्लड सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा वाइट ब्लड सेल्स। ओके, इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर अमीबा दिया होता तो वो भी हमारा सही होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा सेल वॉल एंड प्लास्टिक प्लास्टिड, बी है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सी है प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, डी है सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ओके, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, सेल वॉल एंड प्लास्टिड, ये हमारा एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाई प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये न्यूक्लियस, सेल, ऑर्गन्स, वायरस। तो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? सेल्स को डिस्कवर किया था, और स्पेसिफिक वे में बोले तो नॉन लिविंग सेल्स को उन्होंने किया था। वो सेल्स कौन सी थी? हमारी कॉक सेल्स थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, वायरस, नन ऑफ द अबव। तो अ सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज
वाटर, न्यूक्लियोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, ऑयल, ठीक है। तो एक जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लास्ट। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम कैरी डैश विच ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वो क्या कैरी करता है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स को, अपने जो कैरेक्टर्स होंगे उनको जो अपने चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र करेगा। राइबोसोम, जीन्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या थे, हमारे जीन्स थे, ठीक है। बी ऑप्शन सही जाएगा, जो हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे।